दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स रात में पढ़ना तो चाहते हैं, बट उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें नाइट में पढ़ने से रोकती है, वो है स्लीप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और आप अपने एग्ज़ाम का सिलेबस एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करना चाहते हो, जिसके लिए आप नाइट में पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, बट नाइट में स्टडी नहीं हो पाती है। रात में जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आपको नींद आने लगती है। नींद आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। मॉर्निंग में तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन जैसे जैसे दिन समाप्त होता जाता है, आपका एनर्जी लेवल भी गिरता जाता है और रात में पढ़ाई करना असंभव सा हो जाता है। बट डोंट वरी, आज के इस शानदार वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिनको फॉलो करने के बाद आप नाइट में स्टडी अच्छे से कर पाओगे और पढ़ते टाइम आपको नींद भी नहीं आएगी। तो वो क्या है 5 टिप्स, जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, टिप नंबर 1, अवॉइड हैवी मील्स इन नाइट। दोस्तों, रात में हैवी फूड कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी के पाचन तंत्र को उसी भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लेथार्जिक यानी कि लेजी फील करते हैं और हमें जल्दी नींद आ जाती है। आपने भी ये बात ज़रूर नोटिस की होगी, इसलिए नाइट के टाइम पर आपको ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना, जितना हो सके हल्का भोजन यानी कि लाइट फूड कंज्यूम करने की कोशिश करनी है। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका डिनर जल्दी हो जाए, यानी कि अगर आप अपना डिनर बिफोर 7 PM पर कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और आपको पढ़ते टाइम स्लीपी फील नहीं होगा। दोस्तों, टिप नंबर 2, कीप योर स्टडी रूम वेल लाइटेड। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो पढ़ते टाइम लैंप जलाकर या फिर कम वोल्ट का बल्ब जलाकर पढ़ते हैं, जिसके कारण उनके रूम का मैक्सिमम हिस्सा डार्क रहता है और रूम में वह जिस जगह बैठकर पढ़ रहे होते हैं सिर्फ वहीं पर उजाला रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा कि मेलेटोनिन ही एकमात्र वो हार्मोन है जो कि हमारी स्लीप के लिए यानी कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दरअसल जब आपके स्टडी रूम में बहुत अच्छी खासी लाइट होती है तो हमारे ब्रेन को लगता है कि मॉर्निंग हो गई है और वो मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को बंद कर देता है और हमें नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप कम लाइट में पढ़ाई करते हो तो आपके ब्रेन में एक ह्यूज अमाउंट में मेलेटोनिन रिलीज होता है जो कि आपको स्लीपी फील करवाता है और धीरे धीरे आपको नींद आ जाती है। इसलिए जब भी आप रात में पढ़ने बैठो तो इस बात का खासा ख्याल रखो कि आपके स्टडी रूम में पर्याप्त मात्रा में लाइट हो। दोस्तों, टिप नंबर 3, सिट ऑन द चेयर नॉट ऑन द बेड। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स द्वारा पढ़ते वक्त ये गलती की जाती है कि वो अपने बेड पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि वो एकदम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उनको नींद आने लगती है और वो लेथार्जिक या लेजीनेस फील करते हैं। इसलिए आपको चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल करेक्ट हो। दोस्तों, टिप नंबर 4, लर्न बाय राइटिंग। दोस्तों, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लिख लिख कर याद करते हो तो ये भी आपको नाइट में पढ़ते वक्त नींद से बचाएगा, क्योंकि लिख कर याद करने से आप अलर्ट रहोगे। इसके साथ ही लिख कर याद करने से आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और आप पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। इसलिए जब भी रात में पढ़ने बैठो तो चीज़ों को लिख कर याद करना सीखो। दोस्तों, टिप नंबर 5, अवॉइड रीडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स इन नाइट। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमें मैथ्स नाइट में पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे का क्या लॉजिक है? दरअसल नाइट में हमारी मेमोराइजिंग पावर कम होती है और मॉर्निंग में मेमोराइजिंग पावर पीक पर होती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता है। ऑन दी अदर हैंड, मैथ्स आप लोगों को लगता होगा कि एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आप खुद ही सोचो कि मैथ्स एक ईजी सब्जेक्ट है, तभी इसे रात में पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसलिए जो भी आपका ईजी सब्जेक्ट आपको लगता है उसे आप नाइट में पढ़ना सीखो, उसे आप नाइट में पढ़ो, और जो भी डिफ़िकल्ट आपको सब्जेक्ट लगता है उसे आप मॉर्निंग में पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी ब्रेन की इन्फॉर्मेशन कैच करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करते हो तो आप भी नाइट में इजीली स्टडी कर पाओगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि रात जितनी गहरी होगी सुबह उतनी ही शानदार होगी। इट मीन्स पढ़ाई करते रहो, आपको भी एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।